हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैंडिल मेकर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी SSC HSL के एग्जाम चल रही हैं और एग्जाम्स में इंग्लिश के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं मैक्सिमम। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के कुछ साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बताने जा रही हूँ, जो कि मे बी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो देखते हैं कुछ साइनोनिम्स। पहला है कैवर्ट। कैवर्ट का मतलब होता है उछल कूद या फिर कूद फांद करना। और इसके साइनोनिम्स हैं फ्रिस्क, स्काइलर, गैम्बल, डिस्पोट, डिसे। नेक्स्ट है डिसएवोवल। डिसएवोवल का मतलब होता है इनकार करना या अस्वीकार करना। और इसके साइनोनिम्स हैं डिसअलायंस या रिजेक्ट। नेक्स्ट है मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है सतर्क या अति सावधान। और इसके साइनोनिम्स हैं परफेक्टनेस और पंक्चुअलस। नेक्स्ट है इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है, और इम्पेटस को हम लोग दो रूप में यूज करते हैं, ये एज अ वर्ब और एज अ नाउन। तो एज अ वर्ब इसे बोला जाता है प्रेरणा, और एज अ नाउन इसे बोला जाता है गतिबल या संवेग। और इसके साइनोनिम्स हैं इम्पल्सन, ड्रिफ्ट, इनकरेजमेंट। नेक्स्ट है लैकेडाइजिकल। लैकेडाइजिकल का मतलब होता है निरुत्साहपूर्ण या भावुक या नाजुक। और इसके साइनोनिम्स हैं ड्रीमिंग, लैंगरस, लैंग्विड, केयरलेस। नेक्स्ट है इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक का मतलब होता है उदार या चयनशील, मीन्स विभिन्न शोधों से चुनने वाला। और इसके साइनोनिम्स हैं डाइवर्स। नेक्स्ट है इनसुपरेबल। इनसुपरेबल का मतलब होता है अजय, जो सबसे उत्तम हो या जिसने कभी नहीं हारा हो। और इसके साइनोनिम्स हैं अनकॉन्करेबल, इनसरमाउंटेबल। नेक्स्ट है वॉलिशन। वॉलिशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति, इच्छा या मर्जी। और इसके साइनोनिम्स हैं चॉइस या विलिंग। नेक्स्ट है टर्स। टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त या छोटे रूप में। और इसके साइनोनिम्स हैं ब्रीफ, लाकोनिक, कर्ट, क्रिस्प। नेक्स्ट है पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब होता है हृदयस्पर्शी। और इसके साइनोनिम्स हैं इमोशनल, टचिंग या अफेक्टिंग। नेक्स्ट है हैकनेट। हैकनेट का मतलब होता है साधारण, मामूली या घिसा पिटा। और इसके साइनोनिम्स हैं टायर्ड, टाइमवॉर्म, सॉबॉर्न, स्ट्रेडवेयर। नेक्स्ट है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना या सहमत होना या फिर शामिल होना। और इसके साइनोनिम्स हैं कॉन्सेंट, एक्विसेंस और एसेंट। नेक्स्ट है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है धर्म विरोधी, धर्म का विरोध करने वाला या खुद के धर्म को न मानने वाला, स्वधर्म भ्रष्ट। और इसके साइनोनिम्स हैं साइनिक या मिसबिलीवर। नेक्स्ट है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है पारस्परिक स्वीकृति, और इसे भी दो रूप में हम लोग यूज करते हैं, एज अ वर्ब और एज अ नाउन। एज अ वर्ब इसे पारस्परिक स्वीकृति बोला जाता है, और एज अ नाउन इसे प्रण बोलेंगे, प्रण या फिर अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, बहुत बात करने वाला, धारा प्रवाह जिसे फ्लुएंटली। और इसके साइनोनिम्स हैं रिजर्व। और डैंक। डैंक का मतलब होता है गीला, चिपचिपा, भीगा हुआ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ड्राई नहीं होगा, क्योंकि डैंक जो ड्राई जो है वो डैंक का एंटोनिम्स है। तो यहाँ पे मैंने साइनोनिम्स बताया है, तो ये ड्राई गलत है यहाँ पे। तो आप इसे ड्राई एंटोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये गलत है। तो ड्राई की जगह पे यहाँ पे वेट होगा, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। तो और क्लैमी। क्लैमी का मतलब सेम है गीला, तो क्लैमी सही है। ओके, नेक्स्ट है अवेंस। अवेंस का मतलब होता है ठहराव, रुकावट या फिर दुविधा। और इसके साइनोनिम्स है इनएक्टिविटी, लेटेंसी, मॉरेटोरियम, डिलेमा। नेक्स्ट है एक्सकोगिटेट। एक्सकोगिटेट का मतलब होता है उपाय या फिर विचार करना, सोच निकालना। और इसके साइनोनिम्स हैं इन्वेंट, रूमिनेट, पॉन्डर, कॉन्ट्रीव। नेक्स्ट है प्रोपीशियस।
प्रोपीशियस का मतलब होता है अनुकूल या मेहरबान, दयालु, आशावादी, और इसके सानोनिम से होपफुल, एस्पायरर, वानवी। नेक्स्ट है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, अवैध या गुपचुप, चोरी छुपे, और इसके सानोनिम से सीक्रेट, सरेप्टिशियस, अंडरकवर। तो यहाँ पे साइनोनिम्स खत्म हो रहे हैं, तो नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में बताने जा रही हूँ कुछ, तो देखते हैं। पहला है इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन, और यहाँ पे इसके एंटोनिम्स दिए गए हैं सैननेस, सैनिटी और सैटेनिटी। इसके मतलब होते हैं बुद्धिमानी। ओके, नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना या इनकार करना, और इसके एंटोनिम्स है कन्फर्म, इंडोर और सैंक्शन, जिसके मतलब होते हैं स्वीकार करना या पक्का करना या फिर स्थायी करना। नेक्स्ट है एवॉलिश। एवॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना या फिर रद्द करना, और इसके एंटोनिम्स है रिवाइव, रिवॉक और एस्टैब्लिश। इसका मतलब होता है फिर से शुरू करना या फिर पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता, और इसके एंटोनिम्स है एक्विसेंस, अटैचमेंट या लोन, और इसका मतलब होता है रसामंदी या फिर छुपचाप स्वीकृति। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा, तकरार या विवाद, और इसके एंटोनिम्स है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता या सुलह करना। नेक्स्ट है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है मंजूर करना, और इसके एंटोनिम्स है डिस्प्रूव, नलीफाई, क्वेश या ओवररूल, और इसके मतलब है इसके मतलब होते हैं अस्वीकार करना या फिर झूठा ठहराना। नेक्स्ट है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना या विभाजित करना, और इसके एंटोनिम्स है यूनिट, इंटेग्रेट, डिसएग्रीगेट, डिसएग्रीगेट, और इसका मतलब होता है मिलाना या फिर एक होना। फ्लैम्बोयंट। फ्लैम्बोयंट का मतलब होता है चमकीला या फिर उज्ज्वल, और इसके एंटोनिम्स है क्वाइट, ट्रैंक्विलाइज, रिस्ट्रेंड या प्लेसेंट, और इसके मतलब होते हैं धीरे से या फिर शांत, स्थिर करना। नेक्स्ट है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है करीब या निकट का, और इसके एंटोनिम्स है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण या फिर मामूली। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, ज्यादा खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची, और इसके एंटोनिम्स है इकोनॉमिकल या इनएक्सपेंसिव, मतलब अपव्ययी, कम खर्च करने वाला। नेक्स्ट है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है घटाना, और इसके एंटोनिम्स है इंक्रीज, एक्यू, एक्यूमुलेटिंग, जिसका मतलब होता है बढ़ाना। नेक्स्ट है कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब होता है स्वीकार करना, और इसके एंटोनिम्स है चैलेंज। चैलेंज का मतलब है टोकना या फिर चुनौती देना या आपत्ति उठाना। नेक्स्ट है ट्रिचेरस। ट्रिचेरस का मतलब होता है विश्वासघाती, कपटी या फिर अधर्मी, और इसके एंटोनिम्स है फेथफुल, स्टॉन्च या कंसाइसियस। इसके मतलब होते हैं विश्वास करना या वफादार, भरोसेमंद। नेक्स्ट है इंक्विसिटिव। इंक्विसिटिव का मतलब होता है उत्सुकतापूर्ण या जिज्ञासु, और इसके एंटोनिम्स है अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड का मतलब होता है बेफिक्र, निश्चिंत। नेक्स्ट है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी, अमीरी या फिर समृद्धि, और इसके एंटोनिम्स है पॉवर्टी या रिट्रेंचमेंट। तो इसके मतलब होते हैं
गरीबी या फिर अभाव कमी। नेक्स्ट है सैलियंट। सैलियंट का मतलब होता है प्रमुख या फिर मुख्य, और इसके एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट, न्यूगेटरी या ट्रिवियल, और इसका मतलब होता है मामूली। नेक्स्ट है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब होता है सुस्त या निष्क्रिय, और इसके एंटोनिम्स है एक्टिव या रेडी, मतलब है सक्रिय या फिर चुस्त तेज। नेक्स्ट है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छुप जाना, और इसके एंटोनिम्स है रिवील, एक्सपोज या डिवल, जिसका मतलब होता है दिखाना, प्रकट करना, एक्सपोज करना। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बड़ा, विस्तृत, और यहाँ पे और इसका एंटोनिम्स है मिगर, स्टिंगी, स्क्विम्पी, तो इसका मतलब होता है अल्प, थोड़ा, कम। नेक्स्ट है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी या फिर अभाव, और इसके एंटोनिम्स है प्लेंटी, अबंडेंस या कॉपियसनेस, और इसके मतलब होते हैं अति या प्रचुर। तो यहाँ पे हमने कुछ साइनोनिम्स और एंटोनिम्स लिए थे जो प्रीवियस ईयर के थे। ये क्वेश्चन सीएचएसएल और आने वाले एमटीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट की एग्जाम अभी नहीं हुए हैं वो इस वीडियो को पूरा देख कर जाएं, और इसका नेक्स्ट सेशन पार्ट टू जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।